अमेरिका के राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के तानाशाह के तमाम तरह के परीक्षणों के चलते परेशान हैं। उधर जर्मनी ने उत्तर कोरिया को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जर्मनी खुफिया एजेंसी चीफ ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी और सामग्री अपने बर्लिन दूतावास से प्राप्त करता है। जर्मनी खुफिया एजेंसी के चीफ हंस जॉर्ज मासीन ने कहा कि बर्लिन दूतावास से कई गतिविधियों को नोटिस किया गया है। जर्मनी के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मासीन ने कहा, हमें लगता है कि वे मिसाइल प्रोग्राम ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी मदद लेते हैं। यूएन प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की धमकी दे चुका है। हालांकि वेपन्स टेक्नोलॉजी की सटीक जानकारी को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन खुफिया प्रमुख का मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है। जर्मनी खुफिया एजेंसियों ने 2014 में भी कहा था कि नॉर्थ कोरियाई डिप्लोमेट केमिकल वेपन तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं। अमेरिका के साथ तेज हुए तनातनी के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा मजबूत किया है। पिछले साल 2017 में कुल 15 मिसाइल टेस्ट कर दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। इनमें 1 सितंबर माह हाइड्रोजन बम का भी टेस्ट किया गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा था इसकी ताकत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। टीम न्यूज़ नाउ।